आइए क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा माइनस में थ्री sin 4 थीटा प्लस में cos 4 थीटा प्लस में 1 = 0। देखो हमने हमने क्या किया है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 2 3 6 होता है, तो हमने sin² की पावर 3 लिख लिया। इसी तरीके से cos² की पावर 3 लिख लिया और ये वाला हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, जो क्या होता है ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, ए हमारे पास sin² थीटा है और बी हमारे पास cos² थीटा है, तो sin² थीटा प्लस में cos² थीटा sin की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा माइनस में sin² थीटा cos² थीटा और हमने इसको 3 को ब्रैकेट खोल दिया है। जब हमने 3 को खोल दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 sin की पावर 4 थीटा माइनस में 3 cos² थीटा और ये वाला एज इट इज़ रखा हुआ है। तो देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होता है और यहाँ पर 4 एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़ माइनस में ये वाला एज इट इज़ और ये वाला भी एज इट इज़। अब हमने क्या किया, अब हमने इस वाले ब्रैकेट को खोला है तो ये हो गया 2 sin की पावर 4 थीटा प्लस में 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस में 2 sin² थीटा cos² थीटा और ये वाला एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो 3 sin की पावर 4 थीटा में से 2 cos की पावर 4 थीटा घटाएंगे तो -cos की 4 थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास साइन के साथ भी ऐसे काम करेंगे, 3 sin की पावर 4 थीटा है और यहाँ पर हमारे पास 2 sin की पावर 4 थीटा है, तो इस तरीके से घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का निशान है, यहाँ पर भी माइनस का निशान है और यहाँ पर भी माइनस का निशान है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से माइनस का निशान कॉमन आ जाएगा। जब माइनस का निशान कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है माइनस में 2ab। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का और sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया -1 और ये वाला 1 + 1 हो गया = 0। यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास जो दे रखा है वो है 1 + 1 + cot a प्लस में tan a साइन ब्रैकेट में साइन ए माइनस में cos a = साइन ए tan a माइनस में cot a cos a। देखिए हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड हमारी ये वाली है, तो देखिए हम लोगों के पास tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos a होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने cot को भी खोल लिया, cos अपॉन में साइन होता है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin² थीटा हो जाएगा अपॉन में cos a। इसी तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² थीटा अपॉन में cos a sin a। अब हम दोनों इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस में बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। तो देखिए हम लोगों के पास क्या होगा, ये वाली सिचुएशन बन गई। अब हमारे पास sin² थीटा प्लस में cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें चाहिए ये वाली टर्म, है ना, हमें ये वाली टर्म चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास देखिए ये वाली टर्म जो हमें चाहिए वो तो हमारे पास ये वाली आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि 1 कैसे आएगा। देखिए हमारे पास ये साइन ए कॉस ए जो हमारे पास ये था वो हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, इसके नीचे भी ले लिया, इसके नीचे भी ले लिया और इसके नीचे भी ले लिया। तो देखिए एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अपन में कॉस बचा, कॉस ऐसे यहाँ पर cos² थीटा अपॉन में कॉस से कॉस कट गया, इस तरीके से पूरा कट गया। तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और ये क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा हमारे पास एम के बराबर है, कॉसेक यहाँ पर है कॉसेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा एन के बराबर है, देन शो डेट एन ब्रैकेट में एम का स्क्वायर माइनस में 1 = 2m। तो देखिए एम बराबर क्या दे रखा है, हमारे पास एम बराबर है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की ताकि हमें एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए क्योंकि हमें यहाँ पे एम का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग करते वक्त हमारे पास ये होल स्क्वायर बनेगा, तो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास ये वाला एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से एन की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, हमें क्या करना है, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो सेक हमें दे रखा है, तो सेक क्या होता है, 1/cos कॉस होता है, कॉसेक क्या होता है, 1/ साइन होता है, हम लोगों ने इसका भी एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वाली सिचुएशन में वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए हमारे पास क्या बना, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया हमारे पास
कॉसेक थीटा साइन कॉस थीटा साइन थीटा। और देखिए हमारे पास ये वाली सिचुएशन में हमारे पास एम की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, हमने यहाँ पर एम की वैल्यू पुट कर दी और ये माइनस वन था तो माइनस वन से प्लस का वन कट गया, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। अब देखिए अब हमारे पास साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई, यहाँ पर क्या बचा, यही तो बचा है तो हमने इससे इसको काट दिया, तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया दो ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और वही हमें इसके बराबर लेकर आना था, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रही हैं तो ये हमारा आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें ध्यान रखना है कि देखिए कोट 90 माइनस में थीटा ब्रैकेट में ब्रैकेट वन टेन थीटा माइनस में कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और अपॉन में साइन 12 साइन 12 डिग्री कॉस 15 डिग्री सेक 78 डिग्री कोसेक 75 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 50 प्लस में थीटा टेन स्क्वायर 40 माइनस में थीटा अपॉन में टेन 15 टेन 37 टेन 53 टेन 75 डिग्री। तो हमने क्या किया, देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, ये वाला टेन एज इट इज़, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा और ये वाला सेक एज इट इज़। इसी तरीके से हमने साइन 12 को एज इट इज़ रखा, कॉस 15 को एज इट इज़ रखा, इसको हमने चेंज कर लिया सेक, इसको हमने चेंज किया सेक 90 माइनस में 12, इसको चेंज कर लिया हम लोगों ने कोसेक 90 माइनस में 15 डिग्री, और ये वाला हमने एज इट इज़ रखा और इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया टेन 90 माइनस में थीटा, तो और ये वाले को भी हमने टेन 90 माइनस थीटा चेंज कर लिया, इसको भी टेन माइनस में थीटा टेन 90 माइनस में थीटा चेंज कर लिया और ये वाला हमने एज इट इज़ रखा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर होता है, यहाँ पर साइन साइन 12 कॉस 15, यहाँ पर हो गया कोसेक 12 कॉस 15 सेक 15 प्लस में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर है हमारे पास टेन स्क्वायर 50 प्लस में थीटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर 50 प्लस थीटा और ये वाला हमारे पास कॉट 75 कॉट 53 टेन 53 टेन 75। तो देखिए हमारे पास साइन 12 और ये कोसेक, कोसेक क्या होता है वन अपन में साइन होता है, इससे ये कट गया और ये सेक क्या होता है वन अपन में कॉस होता है, इससे ये कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा माइनस वन बचा। और इसी तरीके से टेन और कॉट जो होता है वो भी आपस में कट के वन मिला देते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी वन आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस में वन इक्वल्स टू में जीरो। देखिए किताब में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर जो हमें टेन दे रखा है वो हमारे पास किताब में यहाँ पे कॉस दे रखा है, अगर हम कॉस को यूटिलाइज करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस में कॉस स्क्वायर 50 प्लस में थीटा टेन स्क्वायर 40 माइनस में थीटा। देखिए अगर मतलब कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉल्यूशन हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कॉस को चेंज नहीं करना है, जो कि मैंने यहाँ पर टेन कर दिया है वो इस वजह से किया है ताकि पीछे से आंसर मैच कर सके, लेकिन हमें क्वेश्चन देख कर आंसर सॉल्व करना है ना कि आंसर देख कर क्वेश्चन में चेंज करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो आएगा हमारे पास माइनस वन प्लस में कॉस स्क्वायर 50 प्लस थीटा और टेन स्क्वायर 40 माइनस में थीटा, ये हमारा आंसर आएगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना है, हमें आंसर में चेंज करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर लाने के लिए यहाँ पर टेन थीटा का यूज़। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रूव डेट वन अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा माइनस में वन अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में साइन थीटा माइनस में वन अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इस कंडीशन में हमें क्या करना है वही काम करना है कि वन इज इक्वल टू में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है, हम लोगों ने क्या किया इस वाले वन की जगह पर इस वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर हमने वही वैल्यू को यूज़ किया एक बार माइनस में एक बार प्लस में, अब नीचे भी प्लस में है तो इससे ये कट गया और ये वाला हम लोगों ने साइन को हमने क्या किया वन अपॉन में कोसेक में परिवर्तन कर लिया है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ जैसे कि कोसेक माइनस में कॉट और ये वाला ये इट इज़ एज इट इज़। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में ये दोनों कट जाएंगे, माइनस में कॉट हमारे पास आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है, वन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे वन की जगह पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर भी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, अब यहाँ पर माइनस वाला कट जाएगा ये वाला एज इट इज़, अब जब ब्रैकेट खोलेगा तो कॉसेक माइनस का हो जाएगा और कॉट भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे माइनस कॉट आ जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, वही हमारा आंसर है।
रात के 2:20 हो रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी तो थोड़ी सी आवाज़ है, वो ठंड की वजह से मैं थोड़ा सा कांप रहा हूँ, तो थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो मैंने सोल्यूशन तो किया हुआ है, अगर सोल्यूशन में मेरी आवाज़ से मैच ना करे तो एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस बीटा इज़ इक्वल टू में एम एंड कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा इज़ इक्वल टू में एन हो, तो देन प्रूव डैट एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू में एन का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस बीटा इज़ इक्वल टू में एम और कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा इज़ इक्वल टू में एन, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू में एम का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू में एन का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली दोनों वैल्यू को हमें जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन था, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो देखिए एम की वैल्यू हमारे पास ये है, एन की वैल्यू हमारे पास ये है, और ये वाला एज इट इज़। अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर भी कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा हम लोगों ने कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर का अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा रह जाएगा, और यहाँ पर वन अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा रह जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहे हैं तो राइट हैंड वाली चीज़ को नहीं लेंगे, तो अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा और कॉस बीटा, इस वाले से इसको काट दिया हमने, और ये वाला इसके नीचे ले लिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइंस स्क्वायर बीटा, और साइंस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा किस वन के बराबर हो जाएगा। हमने ये लोगों की वाली आइडेंटिटी यूज़ किया, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन, ताकि हमारे पास LHS RHS के बराबर आ जाए, ये हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो था वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 32 था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आंसर भी उसका वही है, क्वेश्चन भी वही है, इसलिए इसको हम नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए आपने कितनी छोटी सी लाइन में हो गया ये प्रूव डैट, हमें क्या करना है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin की पावर 4 थीटा अपॉन में 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन। देखिए ये हमारे पास सेक हमने एज इट इज़ रखा, यहाँ से देखिए साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी, हमने साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 sin बच जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमने कॉस कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 2 cos रह जाएगा माइनस में 1। देखिए अब हमने क्या किया, इस वाली साइन की जगह पर हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है 1 - cos² θ, और हमने क्या किया इस 2 को जब हम ब्रैकेट में खोल देंगे, और नीचे वाला देखिए हम लोगों ने एज इट इज़ रखा हुआ है, ये एक सेक हमारे पास एज इट इज़ आ गया, साइन अपॉन में कॉस ही आ गया, और जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 cos² θ, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 1 जो कि नीचे के बराबर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा साइन अपॉन में cos tan होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यही हमें प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं, ये सपोर्टिंग मेटल का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो हमें दे रखा है cot थीटा tan 90 माइनस में थीटा माइनस में sec 90 माइनस थीटा cos sec थीटा प्लस √3 tan 12 tan 60 tan 78 फाइंड दिस वैल्यू फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए cot हमारे पास एज इट इज़ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा cos sec थीटा होता है, ये cos sec हमारे पास एज इट इज़ आ गया, अब यहाँ पर हमारे पास ये √3 एज इट इज़ आ गया, tan 12 को हमने लिखा tan 90 माइनस में 78, tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, tan 78 हमने एज इट इज़ रखा, अब ये cot इंटू में cot, cot का स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से हमारे पास cosec इंटू में cosec, cosec का स्क्वायर हो गया, √3 इंटू में √3, ये हमारे पास 3 बन जाएगा। अभी हम इसको नीचे वाले स्टेप में बनाएंगे, और ये हमारे पास देखिए tan 90 माइनस में थीटा cot थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 78 है, तो यहाँ पे 78 आ गया, और ये वाला एज इट इज़। अब देखिए ये वाला हमारे पास माइनस 1 के बराबर होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये क्या होता है 1/tan होता है, तो इससे देखिए हम लोगों ने क्या किया tan को 1/ cot बनाया, तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस में 3 जो कि हमारा 2 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है सपोर्टिंग मटेरियल का, इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा माइनस में टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 25 प्लस में कॉस स्क्वायर 65 अपॉन में 3 टेन 27 टेन 63। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है, ये वाला भी कॉसेक आ गया। टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, ये वाला भी कॉट आ गया। और यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर लिया कॉसेक 90 माइनस में 65 और ये वाला हमने एज इट इज़ रखा। और नीचे वाले को भी हम लोगों ने चेंज कर लिया, टेन 90 माइनस में इसको हमने 27 लिखने के लिए 63 90 में से माइनस कर दिया और ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन और कॉस क्या होता है, वन के बराबर होता है और ये वाला भी हमारे पास वन के बराबर होता है कॉसेक माइनस में कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया ये वाला वन प्लस ये वाला वन और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला बस कॉट क्या होता है वन अपॉन में टेन होता है तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू और ये हो जाएगा थ्री। तो आंसर आ जाएगा 2/3। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हालांकि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मिसमैच हुई है और ये ठंड की वजह से है, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। गुड नाइट।